So now it's the time for the real test. बट इस लिपस्टिक में जो यूनिक पार्ट है वो ये है कि एक साइड पे अलग शेड है एंड दूसरे साइड पे वो शेड अलग। बट अब आता है जो इसका मेन एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो है इसका स्पिनर एंड इलेक्ट्रिक वॉशर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज अर्चिता एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। जस्ट इन केस इफ यू आर न्यू हियर, देन प्लीज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। सो रील्स एंड शॉर्ट्स कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से हमें वायरल या फिर ट्रेंडिंग होती हुई चीजें दिखती है, तो वो सारी चीजें देख के ना मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट आता है और इतना एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है मेरा, दैट आई वांट टू ट्राई देम आउट एंड वांट टू सी कि वो एक्चुअली कैसी है देखने में और ट्राई करने में, सो दैट आई कैन गिव यू गाइज ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दोज प्रोडक्ट्स की वो जो वायरल हो रहे हैं, इज इट वर्थ इट और नॉट। सो लेट्स ट्राई देम वन बाय वन इन दिस वीडियो एंड सी इज इट वर्थ बाइंग और नॉट। फर्स्ट आइटम जो मैंने ऑर्डर किया है दैट इज बाय रेनी ब्यूटी, इट्स अ शाइनर ग्लॉस स्टिक। तो मेरी स्किन काफी ज्यादा ड्राई रहती है तो मैंने ऑर्डर किया है ये हाइड्रेशन स्टिक। अभी देखते हैं कि ये कितना ज्यादा वर्क करेगी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये एक जेली फॉर्म में आई है, ये कुछ ऐसी लग रही है। जेली प्रोडक्ट्स का जो मैंने एक डिसएडवांटेज सुना है कि वो टूट जाते हैं और वो बहुत गूई इफेक्ट देते हैं, तो लेट्स ट्राई दिस वन एंड सी हाउ डज इट वर्क। क्वांटिटी तो मुझे काफी ज्यादा लग रही है ये, अभी इसे देखते हैं। वाओ, हाइड्रेशन तो इसमें बहुत है यार। आई एम श्योर यू कैन सी राइट, यहाँ पे ये ऐसा पूरा शाइन शाइन हो गया है और यहाँ पे भी, और अभी इसे इसे ब्लेंड कर लेते हैं। यार इसने इतना अमेजिंग हाइड्रेशन प्रोवाइड किया है, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। आई एम श्योर इवन कैमरे पे भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मेरी स्किन कितनी ज्यादा वेल हाइड्रेटेड हो गई है। लाइक इफ यू हैव अ ड्राई स्किन देन आई एम श्योर इट इज गोइंग टू वर्क रियली गुड फॉर यू, क्योंकि मेरी ड्राई है और मेरी स्किन पे इसने ये प्यारा सा ऐसे शाइन दे दिया है विच आई ट्रूली लव। एंड अप्लाई करने में भी बहुत ईजी है, बहुत कन्वीनियंट भी है, हम आराम से इसको ट्रैवल किट में भी डाल सकते हैं। आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपको ये ट्राई नहीं करना चाहिए बिकॉज ये एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग है और ये थोड़ा सा ना ऑयल टाइप इफेक्ट दे रहा है। इसका जो प्राइस है वो मुझे पड़ा है 319 रुपीज में एंड आई थिंक इट्स टोटली वर्थ द मनी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसका जो ऑयल अब्सॉर्बर है वो ट्राई कर सकते हैं, आई एम श्योर वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। वो वाला प्रोडक्ट भी मैंने काफी ट्रेंड होते हुए देखा है एंड आई हैव सीन पीपल गेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट। मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे इतना ज्यादा ऑयल अब्सॉर्बर की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ लेट्स ट्राई आवर सेकंड प्रोडक्ट फॉर टुडे। सेकंड प्रोडक्ट जो हम ट्राई करेंगे वो है ये जेली ब्रश। ये इतना ज्यादा फेमस हो रहा है, सो अगर आप इसका ओरिजिनल खरीदोगे इट इज सो एक्सपेंसिव दैट भाई मुझे तो इतना महंगा नहीं खरीदना था, तो मैंने खरीदा है ये 199 रुपीज में। अभी इसकी क्वालिटी देखते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। और ये है हमारा ब्लश लिपस्टिक, इसके ऊपर ऐसे पूरा कवर आया है विच इज अ गुड पार्ट। ये मुझे ऐसा लग रहा है बहुत डार्क शेड है, बट अभी इसे ट्राई करते हैं एक बार चीक्स पे। ओके, तो यहां से ही मुझे थोड़ा सा ऐसे टूटा हुआ आया है, बट कोई बात नहीं, हम अभी एक वीडियो में काम चलाएंगे। वाओ, ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है बट एट द सेम टाइम बहुत ही प्यारा सा लाइट पिंक कलर निकल के आ रहा है, इट लुक्स सो प्रिटी। अभी इसको ना ब्लेंड करती हूँ मैं। रियली लव दिस ग्लो, लाइक उसका शेड देख ऐसा लग रहा था बहुत पिगमेंटेड होगा या बहुत डार्क होगा, बट इट हैज गिवन मी वेरी सटल लुक जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है एंड लगाने में भी इतना ज्यादा स्मूथ था। जो जेली बेस्ड मेकअप आ रहा है ना उसमें आपको ना इसे ड्रैग नहीं करना, यू जस्ट हैव टू टैप इट। अगर आप ड्रैग करोगे ना तो वो शायद टूट सकता है, तो उसको आराम से ना टैप करो और फिर हाथ से अपना ब्लश और ब्लेंड कर लो, दैट्स अ गुड वे टू अप्लाई। तो अगर आपको भी जेली मेकअप चाहिए थोड़े बजट में देन डेफिनेटली आप इसको ऑर्डर कर सकते हो बिकॉज आई एम इन लव विद दिस वन। सो नेक्स्ट आइटम मैंने इतना ज्यादा वायरल होते हुए देखा है कि मुझे इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है उसे ट्राई करने का, विच इज द सनसेट हाइलाइटर बिकॉज दैट इज इन द ड्यूअल शेड। वो मैंने ऑर्डर किया है बाय दिस ब्रांड अर्थ रिदम और ये मुझे पड़ा है 269 रुपीज में। सी इट लुक्स सो प्रिटी, इसमें से येलो एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है, आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दैट। मुझे इसे खराब करने का भी मन नहीं है।
वाह, आई लव दिस वन, इट लुक सो प्रिटी। इसका जो बेस्ट पार्ट मुझे लग रहा है अभी तक अप्लाई करने में, कि जो इसके ग्लिटर्स हैं वो गिर नहीं रहे हैं और काफी क्रीमी टेक्सचर में आया है, सो विच इज गुड। यू कैन सी राइट, ऐसे रिफ्लेक्शन आ रहा है और इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसमें ना एक और शेड अवेलेबल था विच वॉज इन द पर्पल एंड द पिंक, बट आई चोज दिस वन बिकॉज ये सबसे ज्यादा ट्रेंड में था एंड मुझे लगता है 269 के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है एंड इट इज मेड इन इंडिया, सो विच इज इवन बेटर। अगर आपको थोड़ा सा ड्यूअल इफेक्ट वाला हाईलाइटर चाहिए देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन। आपको कोई भी ब्रश की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट डैप इट। सो देखने में जितना ये ब्राइट है उतना एप्लीकेशन में ब्राइट ये नहीं है। लाइक मुझे लगा था बहुत ज्यादा कहीं ब्राइट येलो ना लगे मेरा फेस लगाने के बाद, ऐसा नहीं है, बहुत ही सटल टोन में है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लाइक डे फंक्शंस में भी मैं इजीली इसको अप्लाई कर सकती हूँ। फॉर मी इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। नेक्स्ट आइटम जो मैंने ऑर्डर किया है वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है परफेक्ट आईलाइनर बनाने में। दिस इज द आईलाइनर स्टिकर। सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस, लाइक द डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक ड्रॉइंग अ लाइन या फिर आपको एक परफेक्ट आईलाइनर चाहिए होता है किसी पार्टी में जाने के लिए, आई थिंक ये उन दिनों के लिए काफी हमारी हेल्प कर सकता है। बट अभी क्वेश्चन आता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है और ये लगाने के बाद में कैसा लगेगा। सो लेट्स अप्लाई दिस वन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। सो अभी हमें यहां से इसे इसे पील करना है। वाओ, इट्स वेरी ह्यूज। इसको हमें इसे स्टिक करना है। सो अप्लाई करने के बाद ये स्टिकर कुछ ऐसा लग रहा है, देखने में बहुत ही ज्यादा नीट है बट मेरे आईज पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। रीजन भी मुझे इसको थोड़ा सा पीछे से लगाना पड़ा बिकॉज इसके ये जो एज है ये बहुत ज्यादा शार्प है तो वो डायरेक्ट आई में जा रहे हैं विच इज नॉट सेफ। अगर आपकी आईज थोड़ी सी बड़ी है तो उस पर ये स्टिकर्स का लेंथ प्रॉपर जाएगा, अदरवाइज आपको थोड़े छोटे साइज के स्टिकर्स ढूंढने पड़ेंगे विच कैन गो विद योर आईज। जो एज वाला पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा शार्प है तो मुझे ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा सेफ भी नहीं लग रहा, सो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन। हमने लिपस्टिक्स ना इतने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की देखी है, इतनी यूनिक देखी है, बट जो मैंने लिपस्टिक नहीं देखी वो है ये वाली। लेट मी शो यू व्हाट इज सो यूनिक इन दिस वन। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, इट इज सो प्रिटी राइट, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल लिपस्टिक। दिस इज हाउ दिस लिपस्टिक लुक्स, बट इस लिपस्टिक में जो यूनिक पार्ट है वो ये है कि एक साइड पे अलग शेड है एंड दूसरे साइड पे वो शेड अलग है। सो वी हैव गॉट लाइक टू डिफरेंट शेड्स इन वन सिंगल लिपस्टिक, इट इज सो यूनिक एंड नाइस। इसमें एक्चुअली लिखा है 3 in 1 बट एक्चुअली इसमें सिर्फ 2 शेड्स आए हैं, बट इट्स ओके, आई स्टिल वॉन्ट टू ट्राई दैट बिकॉज इट लुक्स सो प्रिटी और इसमें कोई ऐसा फ्रेग्रेंस भी नहीं है विच इज अ गुड पार्ट। सो मैंने अभी अपना लिपस्टिक वाइप ऑफ कर लिया है। लेट मी सर्च द शेड फॉर यू। वाओ, इट्स वेरी वेरी क्रीमी एंड द सेकंड शेड लुक समथिंग लाइक दिस। सो एक शेड लाइट आया है, एक शेड डार्क आया है। अभी हम पहले लाइट अप्लाई करते हैं। इट इज सो क्रीमी एंड बटरी, आई लाइक इट, सो स्मूथ टू अप्लाई, लाइक इसकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग आई है। सो आई टोटली लव द शेड ऑफ दिस वन, मुझे बहुत ही ज्यादा गर्ली लग रहा है, इट्स इन अ ब्राउनिश टोन। एंड मैंने एक्चुअली अभी इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ा, द थर्ड शेड जो मैं बोल रही थी नहीं है इसमें, वो यहाँ से हमको मिलेगा फ्रॉम द टॉप विच इज सो एक्साइटिंग। अभी हम ना इसका एक डार्क शेड भी ट्राई करते हैं और फिर ऊपर वाला भी ट्राई करेंगे और देखेंगे तीनों शेड में कितना डिफरेंस है। इसका सेकेंड वाला शेड ट्राई करते हैं। आई कांट बिलीव कि इतने कम प्राइस में इतना अच्छी लिपस्टिक आई है। थोड़ा सा ही लगाओगे और मस्त पूरी लिपस्टिक लग जाएगी, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा एंड लगाने में भी ऑकवर्ड नहीं है। लाइक आई वाज थिंकिंग कि अगर यहाँ से लगाएंगे तो प्रॉपर शेप आएगी या नहीं, बट ऐसा नहीं है, प्रॉपर शेप आई है, लगाने में भी बहुत ही ज्यादा ईजी है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। थर्ड शेड जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई डोंट नो वो शेड कैसा निकल के आएगा। सो लेट्स डू दिस। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। यार मुझे तो ये काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है इसके, अभी एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि उसके बाद में कैसा लग रहा है, शायद थोड़ा डिफरेंट लगे। आई थिंक
थोड़ा सा अलग शेड निकल के आया है, उसका रीजन है बिकॉज जब आप ऊपर से अप्लाई कर रहे हो ना, यहाँ पे दोनों शेड्स का कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है। ओवरऑल मुझे प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, एंड अप्लाई करने में बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, और लगाने के बाद भी कोई इरिटेशन नहीं हो रही। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सेफ प्रोडक्ट, एंड एज पर द प्राइस काफी डिसेंट क्वालिटी है, सो आई विल डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप। अभी हम ट्राई करेंगे आज का हमारा लास्ट प्रोडक्ट, बट वो इतना ज्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए, लेट मी शो यू व्हाई। लास्ट प्रोडक्ट जो मुझे लगता है हर लड़की के लिए ना बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट होने वाला है, विच इज योर मेकअप ब्रश क्लीनर। Amazon पे बहुत तरीके के मेकअप ब्रश क्लीनर अवेलेबल थे, लेकिन इसमें जो यूनिक पार्ट है वो ये है कि इसमें स्पिनर आया है साथ में। हम लोग हमेशा अपने मेकअप ब्रशेस को वॉश करते हैं, फिर उनको ड्राइंग के लिए ओवरनाइट छोड़ते हैं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट विद दिस वन आपके जो ब्रशेस हैं वो इमीडिएटली ड्राई हो जाएंगे, एटलीस्ट दिस इज वॉट इट क्लेम्स। अभी टाइम है इसको ट्राई करने का और टेस्ट करने का कि एक्चुअली हमारे ब्रश ड्राई हो रहे हैं या नहीं, सो लेट्स अनबॉक्स दिस वन। सो फर्स्ट जो इसमें से निकलती है दैट इज योर मेकअप क्लीनर पॉट, इसमें हमको वॉश करने हैं अपने सारे ब्रश। नेक्स्ट इज दिस मेकअप ब्रश बेस, लाइक आप अपने ब्रशेस को ड्राई करने के बाद एक स्टैंड में रखते हो तो ये आपके उस यूज में आएगा। इसमें ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में मेकअप ब्रश एडजस्टर आते हैं, तो आपका जो भी साइज का मेकअप ब्रश होगा वो इसमें फिट हो जाएगा, सो विच इज सो गुड। और इसमें ना पतले साइज का भी आएगा अगर आपको छोटे वाले ब्रशेस वॉश करने हो। बट अब आता है जो इसका मेन एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो है इसका स्पिनर एंड इलेक्ट्रिक वॉशर, विच इज दिस वन। ये काफी अच्छी पैकेजिंग में आया है, एंड लेट्स ओपन दिस। दिस इज हाउ इट लुक्स, इट्स सेल ऑपरेटेड विच इज अ गुड पार्ट, तो आपको इसे प्लग इन नहीं करना पड़ेगा। आप इसको टाइम टू टाइम इसके सेल जो है वो चेंज कर सकते हैं, सो इट्स वेरी इजी टू यूज। अब इसका आता है असली टेस्ट, सो लेट्स ट्राई दिस वन नाउ। तो मैं इसमें थोड़ा सा क्लेंजर लूंगी अपना, आप मेकअप ब्रश क्लीनर भी ले सकते हो या फिर आप सिर्फ पानी में भी कर सकते हैं क्लीन। फर्स्ट ब्रश जो मैं अपना क्लीन करूंगी दैट इज गोइंग टू बी माई ब्लशर ब्रश, इट्स वेरी डर्टी। अभी इसको ना यहाँ पे हमें ऐसे एडजस्ट करना है लाइक दिस, एंड देन ये जो एडजस्टमेंट्स है इसको हमें यहाँ पे फिक्स करना है, इट्स वेरी सिंपल लाइक दिस। ये अच्छे से इसे फिक्स हो गया है अभी यहाँ पे, ये हमें इसे यहाँ पे ऐसे रखना है, एंड यू कैन सी वाओ यार ये कितना मस्त क्लीन कर रहे हैं, लाइक यू कैन सी पूरा पानी का जो है कलर चेंज हो चुका है। इसका ये जो ब्रश है बेस से टच होगा ये अपने आप बंद हो जाएगा, तो यू हैव टू कीप द ब्रश ओवर हियर, तो वो अच्छे से ब्रश को साफ कर देगा। सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर द रियल टेस्ट। एक्चुअली ये ड्राई हो गया है, लाइक देर इज नो वॉटर, इसने प्रॉपर तरीके से स्पिन कर दिया है, यू नो जैसे हमारे वॉशिंग मशीन में होता है स्पिन हो जाते हैं कपड़े, वैसे ही इसके साथ हुआ है, और ये ब्रश बिल्कुल साफ हो गया है। वाओ आई एम सो हैप्पी विद दिस वन, कितना सारा मेकअप निकला है, लाइक वी डोंट रियलाइज इट बट आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। अगर आप लोग मेकअप करते हो, आपके पास मेकअप ब्रशेज हैं, आई थिंक इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड इट्स रियली गुड। ब्रशेज को ड्राई करना मेन टास्क होता है, एंड विच मेक्स मी रियली लेजी, तो फॉर दैट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आज हमने ट्राई करे कुछ इंटरेस्टिंग से प्रोडक्ट्स जो मैंने लाइफ में कभी नहीं ट्राई किए, एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी टू सी कितने ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में और कितने ज्यादा वो यूजफुल होते हैं हमारे लिए। मुझे ये वीडियो करके ना बहुत ही ज्यादा मजे आए। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो डू कमेंट मी डाउन कि आप लोगों ने ऐसे कौन से यूनिक प्रोडक्ट्स देखे हैं जो आप लोग ट्राई करना चाहते हो, मे बी आई कैन ट्राई दैट फॉर यू गाइज। और मैं अब आपसे मिलूंगी फ्राइडे को एट 7 o'clock, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।